हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में। ये काफी कमाल का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। नाम देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिटी फायर। ये मतलब गर्मी के दिनों में काफी मतलब यूजफुल चीज है। आपको अपने ऑफिस में या फिर घर पे या कहीं भी आप रहते हो, छोटे मोटे ऑफिस में, जैसे 10x10 का रूम है अगर, या 10x12 का भी रूम है, या उससे छोटा भी रूम है, तो आपको काफी हेल्प होने वाला है इस प्रोडक्ट से। क्या है ये प्रोडक्ट, कैसे इसको यूज करना है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आज ही मेरा इसको हमने अमेजोन से मंगाया है। इस तरह से पैकिंग होकर के आया है और काफी अच्छा पैकेजिंग भी इसका काफी अच्छा है, मतलब सेफ्टी से आया है। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि कुछ इसके अंदर दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पर उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है और इसको हम ओपन करके अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा उसका फीचर्स, कुछ फीचर्स इसके ऊपर कार्टून पे भी दिया हुआ है और उसके अंदर भी होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का एनवेलप मिला है मुझे, शायद हो सकता है बिल होगा इसके अंदर। तो इसको हम काट करके पहले देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ओ माय गॉड, कुछ भी नहीं है, ये एनवेलप खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए लगा दिया गया है, या फिर हो सकता है कि कुछ इसके अंदर कुछ उन लोगों का कुछ ये सिक्योरिटी पर्पस होगा लगाया है, हम लोगों को नहीं मालूम है, बस इसलिए। इसको हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए, पैकेजिंग इसका काफी अच्छा है, काफी सेफ्टी से आया है। इस तरह का एक कार्टून लगाया गया है ताकि कुछ प्रोडक्ट जो है वो आपका डैमेज ना हो। यहाँ पर एक इसका ऊपर का जो हेड है वो दिया हुआ है, ये प्लास्टिक का, इसको पहले रखते हैं। इसको ओपन करते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये काफी शेप में, इसके शेप में बना हुआ है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ्टी से आ जाए। और काफी बड़ा साइज लग रहा है प्रोडक्ट को देख करके। मैंने ऑनलाइन जो देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये काफी बड़ा है देखने में। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पिंक कलर का है ये। पिंक कलर का हमने मंगाया है क्योंकि इसके अंदर लाइट भी जलता है, तो लाइट जब रात को जलेगा तो काफी अच्छा लगेगा। और ये ह्यूमिडिटी फायर जो है, इसका काम क्या है कि इसके अंदर से एक पानी का फुवारा जैसा निकलता है और आपके जो रूम का जो टेम्परेचर है उसको नमी में बदल देता है, मतलब ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। तो काफी अच्छा चीज है। इसके फीचर्स में अभी आपको आगे नेक्स्ट इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। इसके साथ एक यूजर मैनुअल दिया गया है जिसको पढ़ने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि आजकल कोई पढ़ता नहीं है। ये देखिए, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो इसमें आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्या है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, कुछ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है कि कैसे आपको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रखते हैं फिलहाल साइड में और उसको ओपन करके देखते हैं। तो ये जो कैप दिया है, ये कैप है, इसको ऊपर से लगाना पड़ता है, इसको इस तरह से ऊपर से लगाना पड़ता है और यहाँ से फुवारा निकलता है, पानी का बुलबुला। अभी हम ऑन करके भी आपको दिखाएंगे पानी डाल करके। तो यहाँ से पानी का एकदम छोटी छोटी बूंद निकलती है और उसके बाद जो रूम का जो टेम्परेचर है वो काफी अच्छा हो जाता है। समझिए कि आपको जो घर रूम के अंदर जो बंद कमरे में उमस जैसा जो एक फील आता है वो चीज नहीं आने वाला। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना है। तो ये जो गर्मी के कारण हो रहा है, ये चीज को वो कम कर देगा, ये काफी अच्छा चीज है। मतलब अगर आप एसी नहीं ले सकते हैं तो कम से कम इसको तो लगा ही लीजिए और फैन चला लीजिए, तो आपको गर्म हवा नहीं आएगा, रूम में ठंडा हवा आपको मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे क्या क्या सावधानी रखना है, सारा कुछ हम अभी आपको बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको, आप अगर मशीन खरीदते हैं तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आए। तो लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले इसको हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉब जो दिया हुआ है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, ये ऑफ है। अभी इसको इस तरह करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, आवाज करेगा, ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि ये पावर ऑन हो गया है, ठीक है। और इसका जो फ्लो है, इसके अंदर ऊपर से जो हवा का फ्लो प्रेशर जो निकलेगा उसका फ्लो को कम ज्यादा करने के लिए ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मीडियम में रखें ताकि आपका जो है, जो जितना लीटर आप पानी भर के रखेंगे तो पूरा पानी को चलने के लिए रात भर चल जाए, मतलब 8 से 9 घंटा चल जाए, उसके लिए आपको नॉर्मल मोड पे रखना है। हाई प्रेशर में भी रख सकते हैं तो पानी आपका जो है वो जल्दी खत्म होगा, ठीक है।
और ये जो बटन दिया गया है ये एलईडी का बटन दिया गया है। इसके अंदर एक एलईडी लगा हुआ है लाइट, मैं उसको खोल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक एलईडी दिया हुआ है जो आपको नाइट लैंप की तरह काम करेगा रूम के अंदर में। तो इसको जब आप ऑन कर देते हैं तो ये लाइट है, ये पूरा लाइट जो है ये ग्लो हो जाता है और काफी प्यारा लगता है देखने में। अभी हम ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। तो ये लाइट का ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, ठीक है। और इसको लगाना कैसे, इसके अंदर हमेशा आप सोचेंगे कि ऐसे लगाएं वैसे लगाएं, लेकिन इसको और नॉब को सामने रखना है और सीधा ऐसे रख देना है तो ये मैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर पानी कैसे भरना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसको सीधा उठाना है, इसमें कुछ घुमाने फिराने का नहीं, सीधा ऐसे पकड़ के वो आपको उठाना रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट स्विच दिया हुआ है ताकि आप, और ये वाला जो नॉब दिया हुआ है कि जितना पानी इसके अंदर भराता है, 2.4 लीटर का ये जार है, तो यहाँ पर जो ये वाला इसके अंदर जा करके लॉक हो जाता है, तो पानी जो है जहां पर जितना लेना रहता है उतना ले करके ये स्टॉप कर देता है, इसका ये काम होता है, ठीक है। तो पानी आपको भरना कैसे, इसको यहाँ से ओपन करना है, घुमाना है और इसके अंदर हमको पानी को फिल कर देना है, जितना पानी आपको भरना है उतना पानी भर करके उसके बाद यहाँ से इस तरह से लॉक करके और उसको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको कुछ भी काम नहीं करना है, सीधे इस तरह से लगा देना है और टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहना है, पानी को निकाल करके साफ करना है। तो हर 2 से 3 हफ्ता में आपको पानी का जो टैंक है उसको साफ करना है और हर 1 हफ्ता या 2-3 दिन में आपको एक सूखा कपड़ा से, सॉफ्ट कपड़ा से इसको ये सबको हल्का हल्का पोंछ देना है ताकि आपका जो है वो काई इसके अंदर जमे नहीं, वो जो ग्रीन कलर का काई जम जाता है वो चीज नहीं है, ताकि आपका मशीन जो है वो आपका लाइफ बना रहे मशीन का और काम अच्छे से करता रहे, ठीक है। और कुछ सावधानियां इसके अंदर दिया हुआ है, इसको मैनुअल में दिया हुआ है, तो मैनुअल आपको हमने बोला था कि मैनुअल पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इस चीज के लिए आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि आपको सेफ्टी अगर रखना है और आपके बच्चों के लिए सेफ रहे, कोई किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे और मशीन का लाइफ बना रहे, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। मैनुअल का कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ कि इसको जो है एक लेवल सरफेस, जो एक प्लेन सरफेस होगा वहीं पर आपको रखना है, टेढ़ा इस तरह से या इस तरह से आपको नहीं रखना है, एकदम प्लेन सरफेस पर रखना है। दूसरा चीज की डायरेक्टिव वुडन का जो एरिया होगा वहां पर आपको नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर से जो फुवारा निकलेगा, जो पानी के बबल्स छोटे छोटे निकलेंगे, तो उससे मॉइस्चराइज होकर के आपका वुडन जो सरफेस जो है वो खराब होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो चीज आपको नहीं करना है, उस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद इसके अंदर जो पानी का जो यूज करना है, आपको नॉर्मल पानी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट जो बोरिंग का पानी होता है वो सब यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका मशीन जो है वो खराब हो जाएगा, ज्यादा दिन का लाइफ नहीं रहेगा और सही तरह से वो काम भी नहीं करेगा। आपको इसके अंदर आरओ का पानी यूज करना है या फिर डिस्टिल वाटर यूज करना है, वो काफी अच्छा रहेगा आपके मशीन का हेल्थ के लिए। और इसको जो आप रखेंगे तो इसके अगल बगल कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो इसके अंदर से जो पानी निकलेगा वो सब इसके ऊपर आएगा और इसका आपको जो मशीन है वो डैमेज कर सकता है, इसलिए इसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम से दूर रखें, एक खुला एरिया में रखें इसको, ठीक है। और ड्राई क्लॉथ से इसको हमेशा टाइम टू टाइम साफ करते रहना है। 0% डिग्री अगर आपका घर का टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो जाता है तो उस टाइम पे इसको यूज नहीं करना है, पानी को निकाल करके रखना है, अदरवाइज इसके अंदर पानी जो है वो जम जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रे है, यहाँ पे एसेंस रखने के लिए दिया हुआ है, ताकि आपका जो फ्लो हो, ये वाला जो फ्लो हो इसमें फ्रेग्रेंस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एसेंस ऑयल आता है, उसको आप फ्रेग्रेंस के लिए रखेंगे इसके अंदर, और इसके बाद इसमें अगर डाल देंगे तो इससे क्या है कि जो आपका जो खुशबू है रूम के अंदर, खुशबू भी इसके साथ साथ, मतलब मॉइस्चराइज के साथ साथ खुशबू भी फैलेगा रूम में और काफी अच्छा होगा। लेकिन इसके अंदर इंडिकेट किया हुआ है कि आपको एसेंस ऑयल यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका मशीन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है, लेकिन आपको यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी आपके ऊपर है। और दूसरा चीज कि इसको डायरेक्टली लाइन में लगा हुआ रहने के, लगा हुआ लाइन में लगा हुआ रहेगा, उस टाइम पे आपको इधर उधर ज्यादा नहीं करना है, कुछ भी एक जगह पे रख देना है, हिलाना नहीं है, इसको टेढ़ा वेढ़ा भी नहीं करना है। और दूसरा चीज कि अगर लंबा टाइम तक अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको पावर ऑफ कर दें, ऑन करके नहीं छोड़े, ठीक है। और डायरेक्ट टंकी का पानी, तो जो डायरेक्ट टंकी का पानी आता है उसको आपको इसमें यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर काई जम जाएगा तो आपका जो सब सिस्टम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों सारा कुछ, मुझे लगता है कि सारा कुछ आप समझ गए होंगे इसको किस तरह यूज करना है। अब ऑन करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखिए
ये मैंने लाइन में लगा दिया है, यहाँ पे पावर आ गया है और इसके अंदर एलईडी जल रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा, अंधेरा नहीं है इसलिए। इसको उठाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का एलईडी जल रहा है। यहाँ से एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखिए यहाँ से एक बार लाल हो गया। तो देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक ये आरजीबी एलईडी दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहेगा कलर और ये पूरे में जो है वो ग्लो करेगा तो काफी अच्छा लगेगा अंधेरा का टाइम में। अभी रोशनी में आपको नहीं पता चला लेकिन अंधेरा में काफी अच्छा दिखेगा वो, ठीक है। नाइट लैंप का काम करेगा और इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसको फ्लो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मशीन में अभी पानी नहीं डाला हुआ है, मैं पानी डालने के बाद आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, एक बार अंधेरा में करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है। यहाँ पे आप देखिए, देखिए एकदम हल्का सा दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा में पिंकिश कलर का ग्रीन है, मतलब सारा कलर वो चेंज होते रहता है। यहाँ पे देखिए अंधेरा में आपको दिख रहा होगा शायद ये ब्लू हो गया, तो पूरा ग्लो करता है, बहुत ही प्यारा लगेगा अंधेरा में ये। और इसको चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो अभी पानी भर के आपको दिखाते हैं, पानी को हम इस तरह से इसको हम पहले ऑफ कर लेते हैं, ऑफ करने के बाद पानी को हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ से आपको पूरा अनप्लग कर लेना है, प्लग उलग सब कुछ निकाल लेना है, उसके बाद ही पानी वाने का काम करें, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा पानी है, अभी यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे इस तरह से, ओपन करने के बाद यहाँ पे पानी आपको स्टील वाटर यूज कर रहे हैं, आरओ वाटर, दूसरा पानी आपको यूज नहीं करना है। तो देखिए कहीं से गिरेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर जो बना हुआ है। उसके बाद इस तरह से इसको अच्छे से बंद कर देना है, टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसको बिठा देना है, ठीक है। बिठाने के बाद अब इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है तो उसको हम अलग कर लेते हैं पहले। अलग करने के बाद इसको हम ऑन करते हैं। देखिए देखिए कितना कमाल का लग रहा है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और रूम के अंदर जो है वो पूरा मॉइस्चराइज कर देगा, रूम को जो टेम्परेचर है उसको घटा देगा। अभी पानी नहीं था तो पहले ये रेड जल रहा था, लेकिन अभी पानी इसके अंदर आ गया है तो अभी ये ग्रीन हो गया है। इससे आपको पता चलेगा कि पानी इसके अंदर है, पानी जब खत्म हो जाएगा तो ये रेड हो जाएगा, तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, देखिए इसका जो फ्लो है उसको ज्यादा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो फ्लो है वो ज्यादा हो गया है, इसको कम करेंगे तो कम हो जाएगा, देखिए है ना। तो इसको देखिए इस तरह से बंद करेंगे तो ये जो है वो रुक जाएगा, एकदम पानी का जो ये फवारा है एकदम धुआं की तरह निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए पानी का जो अंश है वो यहाँ पर आ गया है, लेकिन जब ये उड़ता है तो ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा है इसके अंदर। इसको हम ऑन करते हैं, ये देखिए, तो ये जो है धुआं नहीं है, ये पानी है। ये देखिए यहाँ पर जो आप सरफेस देख सकते हैं पानी जैसा है, मॉइस्चराइज कर रहा है इसको, है ना। तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है। आप देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कम करता है कि नहीं, 100% करेगा क्योंकि इसका ये काम है, और जो रूम के अंदर जो मॉइस्चराइज है वो काफी कम कर देगा अभी। तो आपको इस तरह से जो ऑन कीजिएगा तो इसको इसी तरह ऑन खुला नहीं छोड़ना है, इसके साथ एक कैप दिया हुआ है ताकि आपको ये इस तरह से कैप में इस तरह का फ्लो दे, है ना। चारों तरफ जो उड़ रहा था वो चारों तरफ नहीं उड़ेगा, एक तरफ इसका जो फ्लो है वो देता रहेगा। तो अब जो है वो काफी अच्छा लग रहा है, आपको इस तरह से रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा होगा, आपके लिए अगर यूजफुल है, आपको इस फीचर्स के बारे में समझने के बाद आपको लगता है कि आपके रूम के लिए ये जरूरी है तो आप इसे ले और उसको यूज करें ताकि आपका मॉइस्चराइज जो है वो रूम के अंदर बना रहे, ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाए और मौसम अच्छा बना रहे आपका रूम का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की टेक्निकल वीडियो आप लोगों के पास हमेशा मिलते रहें। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।